नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनयूजुअल इंजीनियर में। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ मोबाइल कंप्यूटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस सीरीज में देखेंगे, हम लोग मोबाइल कंप्यूटिंग कंप्यूटर साइंस की एक सब्जेक्ट है उसकी पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, इस पूरे वीडियो की नोट्स आपको लास्ट में मिल जाएगी, हर एक टॉपिक की नोट्स मिल जाएगी। फिलहाल इस टॉपिक का नोट्स आपको बताया जाएगा कहाँ से डाउनलोड करें, तो हाँ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अब हम जानते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग है क्या। मोबाइल कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जिससे यूजर्स एक मोबाइल या किसी अन्य वायरलेस डिवाइस के द्वारा डाटा, वॉइस तथा वीडियो का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो मोबाइल कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग डाटा को किसी मोबाइल डिवाइस के द्वारा वायरलेस नेटवर्क में ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। सामान्य रूप से जनरली मोबाइल कंप्यूटिंग को स्मार्टफोन्स में प्रयोग की जाने वाली तकनीक के रूप में देखते हैं, लेकिन यह इससे कहीं अधिक बड़ा टॉपिक है क्योंकि स्मार्टफोन तक ही सीमित नहीं है, यह हर उस डिवाइस में यूज होती है जो कि मोबिलिटी को सपोर्ट करती है, जैसा लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, टैबलेट इत्यादि। मोबाइल कंप्यूटिंग के तीन मुख्य कॉन्सेप्ट है जिन पे ये आधारित है। तीन मुख्य कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला मोबाइल कम्युनिकेशन, सेकेंड मोबाइल हार्डवेयर, थर्ड मोबाइल सॉफ्टवेयर। तो अब हम जानेंगे कि मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है। मोबाइल कम्युनिकेशन मींस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि वायरलेस डिवाइस की, वो वायरलेस डिवाइस किस तरह कम्युनिकेट कर पा रहा है, एक इंफॉर्मेशन को दूसरे के साथ एक्सचेंज कर पा रहा है, दिस इज कॉल्ड मोबाइल कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत प्रोटोकॉल्स, सर्विसेज, बैंडविड्थ तथा पोर्टर्स आते हैं जो कि डिवाइस को सपोर्ट करती है। मींस व्हेन वी टॉक अबाउट द मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन में रेडियो वेव इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है जिसमें सिग्नल्स को एयर के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है, एयर के थ्रू सेंड किया जाता है और रिसीव किया जाता है। अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो कि है मोबाइल हार्डवेयर। मोबाइल हार्डवेयर मीन्स उन डिवाइसों से है जो कि मोबाइल डिवाइसेस से जो कि मोबिलिटी की सर्विस को रिसीव या एक्सेस कर सकते हैं, जिसके अंदर आ गया हमारा स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, इसके जितने भी हार्डवेयर पार्ट हुए वो हमारे हुए मोबाइल हार्डवेयर। इन डिवाइसों के अंदर एक रिसीप्टर लगा रहता है जो कि सिग्नल्स को सेंस तथा रिसीव करने के लिए डिजाइन किया जाता है, तथा ये डिवाइस फुल डुप्लेक्स पर काम करती है, अर्थात ये एक ही समय पर सिग्नल्स को सेंड भी कर सकती है तथा रिसीव भी कर सकती है। अब हम लोग बात करेंगे कि मोबाइल सॉफ्टवेयर के बारे में। मोबाइल सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जो कि मोबाइल हार्डवेयर पर रन होता है। मोबाइल सॉफ्टवेयर मीन्स ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है हो सकता है, ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कि हार्डवेयर में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट किए रहते हैं, उसको इंस्टॉल किए रहते हैं। यह डिवाइस के अंदर सभी वर्किंग को जिम्मेदारी लेके रखता है कि हर एक वर्किंग इसके थ्रू ही होगी। ये मोबाइल एप्लीकेशन के सभी विशेषताओं तथा जरूरतों को देखता है, एक कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, कनेक्टिविटी, वाईफाई, ब्लूटूथ, वॉइस रिकॉर्डर, स्पीच रिकॉग्निशन तथा वीडियो प्लेयर आदि फीचर्स प्रदान। तो गाइस, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं इसके नोट्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो इसके नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे इमेजेस भी है जिसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है, तो प्लीज़ गाइड वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मोबाइल कंप्यूटिंग की पूरी पूरी सीरीज आ रही है। तब तक के लिए बाय बाय।